अस्सलाम वालेकुम। आज भाई टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल से टॉपिक है। तो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। बेसिकली ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कंसिस्ट होता है, बना होता है कंसिस्ट बाय टू जेनिटेलिया, जो दो जेनिटेलिया से मिलकर बनता है। दो जेनिटेलिया से मिलकर जो बनता है मेरे बच्चे, उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब दो जेनिटेलिया में सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में और पिनस के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। जो बड़ा मेल के पास टेस्टिस हैं, ये टू इन नंबर होती हैं, टू इन नंबर हैं, दो की तादाद में ये मौजूद होती हैं टेस्टिस। और ये लाई होती हैं, मौजूद होती हैं आउटसाइड द बॉडी। तो ये आउटसाइड द बॉडी आपको नज़र आती हैं, जिसका नाम है टेस्टिस। अगर ये देखा जाए, जो टेस्टिस हैं ये पैक्ड होती हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये पैक्ड होती हैं। और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड स्क्रोटम। हम इस सैक को नाम देंगे दे आर कॉल्ड स्क्रोटम, ये स्क्रोटम कहलाता है। तो स्क्रोटम के अंदर जो पैक्ड होती हैं, दे आर कॉल्ड टेस्टिस हैं। अगर टेस्टिस को देखा जाए तो मेरे बच्चे, ये कंपोज्ड होती हैं, कंपोज्ड बाय, जिससे ये बनी है, बड़े वो ट्यूब्यूल्स हैं, उनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मेरे बच्चे जो कंपोज्ड होती हैं, इनको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड टेस्टिस हैं। अब बड़ा जो टेस्टिस हैं, अगर देखा जाए टेस्टिस, तो मेरे बच्चे टेस्टिस के अंदर मेरे बच्चे एक प्रोसेस चल रहा है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चल रहा है, और बेटा उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ऐसी जगह है जो कि साइट है, साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है मेरे बच्चे, उस साइट को नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको बनाते हैं बड़ा, उसका नाम क्या बेटा, वो टेस्टिस हैं। अब मेरे जो टेस्टिस हैं, अगर देखा जाए टेस्टिस की सबसे बड़ी पहचान, ये मेरे बच्चे इसकी पहचान अगर देखी जाए, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, ये 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है टेस्टिस का, जो कि कूलर होता है 2%। मतलब कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 है, मगर टेस्टिस का कितना है, 35 सेंटीग्रेड होता है, जो कि कूलर ज़रा सा ठंडा होता है। और ये कूलर किससे कितना परसेंट है मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर देख रहे कितने परसेंट कम है यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पे 2% मेरे बच्चे कम सेंटीग्रेड है। और ये वो टेम्परेचर है जो सूटेबल होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये इसलिए इतना ये टेम्परेचर है, ताकि ये सूटेबल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 35 सेंटीग्रेड है। तो ये 35 सेंटीग्रेड आपको नज़र आता है टेम्परेचर। और मेरे बच्चे ये टेम्परेचर किसका बेटा, हमारी बॉडी के अंदर टेस्टिस का होता है। इसी तरह टेस्टिस के साथ जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दूसरा स्ट्रक्चर आता है बड़ा, उसका नाम पिनस है। अब बड़ा जो पिनस है, अगर देखा जाए मेरे बच्चे, कंपोज्ड बाय टिश्यू होता है, कंपोज्ड बाय टिश्यूज। और इन टिश्यूज की खासियत है, विच कैन फिल विथ, जो कि अपने आप को भर लेते हैं ब्लड से। और जब ब्लड से पीनस भर जाता है, ये जो टिश्यू भर जाते हैं पीनस के अंदर, तो ये कोस करते हैं टू कॉज इरेक्शन। और ये पीनस उस वक्त इरेक्टेड होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल अरोजन, सेक्सुअल अरोजल। तो सेक्सुअल अरोजल के दौरान पीनस का इरेक्ट होना, वो इरेक्शन कब होती है, जब सेक्सुअल अरोजल कर रहे होते हैं। और ये उस वक्त होती है जब ब्लड इस टिश्यूज़ के अंदर, पिनस के टिश्यूज़ के अंदर फिल हो जाता है, उस वक्त इरेक्शन होती है। और ये इरेक्शन आपको सेक्सुअल अरोजल के दौरान नज़र आती है। अब जो पिनस है, इसका सबसे बड़ा रोल एक ही है। इसका रोल क्या है, ये बड़ा करता क्या है, सिर्फ जस्ट ओनली यूज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स, किसमें मेरे बच्चे, इनटू फीमेल जेनिटेलिया। तो फीमेल जेनिटेलिया के अंदर दाखिल करने के लिए
जिसको आप वजाइना का नाम दे सकते हैं। तो वजाइना के अंदर स्पर्म को दाखिल करने के लिए जो मेल के पास स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चे, उसको नाम देते हैं पीनस। और जो दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का बड़ा, उसका नाम क्या, दे आर कॉल्ड टेस्टिस है। अब इसी तरह एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद जो हमारे पास अगला आ जाता है उसका नाम है इंटरनल जेनिटेलिया। अब इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ट्यूब्यूल्स, सेल्स, सेल्स के साथ साथ आप ग्लैंड्स का नाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डक्ट्स के बारे में। इंटरनल जेनिटेलिया में क्या आ जाती हैं बेटा, डक्ट्स आ जाती हैं, डक्ट्स आ जाती हैं। अब जो सबसे पहले डक्ट है बेटा, उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सबसे पहली जो डक्ट है जो कि आती है हमारे इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर, उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होती है और ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट सिस्टम है, सबसे ज़्यादा हाईली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट सिस्टम है ये, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये मेरे बच्चे साइट है फॉर स्पर्म्स प्रोडक्शन। तो स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है जिस जगह पर हो रही है बड़ा, उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, या आप कह सकते हैं साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे चलती है मेरे बच्चे, उसको नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये मेरे बच्चे टेस्टिस हैं और इस टेस्टिस के अंदर ये ट्यूब्यूल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम है। और ये जो ट्यूब्यूल्स मैं बना रहा हूँ ये हैं मेरे बच्चे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे आपको नज़र आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्म की प्रोडक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सेल होगा जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। अब जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं बेसिकली ये वो सेल्स हैं जिससे मेरे बच्चे डिफरेंशिएट होके और साइज इंक्रीज करके बनता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को माइटोटिक, मतलब कि माइटोटिक माइटोसिस करके डिवाइड करता है और डिवाइड करके बना देता है जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है मेरे बच्चे, आपको डेफिनेटली पता होगा, ये करता है आगे जाके मियोसिस वन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मियोटिक वन करता है और बना देता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इनकी तादाद कितनी होती है मेरे बच्चे, याद रखिएगा ये टू इन नंबर में बनते हैं, दो की तादाद में। तो इसी के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये आगे फिर अगेन 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 क्या करेगा, मियोटिक मियोसिस टू करता है। तो मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू होती है, उसके बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। और स्पर्मेटिड की तादाद क्या होती है आपको ये भी याद होना चाहिए कि दो के बाद आपको पता है मियोसिस के लास्ट में क्या बन जाते हैं, फोर स्पर्मेटिड बन जाते हैं, चार स्पर्मेटिड बन गए। और यही स्पर्मेटिड आगे जाके अपने आप को अनडिफरेंशिएट करते हैं और अनडिफरेंशिएट होने के बाद ये अपने आप को, सॉरी डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बना देते हैं बेटा, ये स्पर्म्स बना देते हैं, तो स्पर्म्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। मगर कैसे बना, ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है ये डिफरेंशिएट हुए, पहला पॉइंट, डिफरेंशिएट होने के बाद इंक्रीज साइज़ किया, इंक्रीज ऑफ साइज़ किया। तो ये दो काम करने से मेरे बच्चे क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनिया बन गया। फिर बाद में स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो कि मैंने बताया कि मियोटिक नहीं माइटोटिक माइटोसिस के बाद,
माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक वन हुई तो स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट, और स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू हुई, स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड से क्या बन गया बेटा, स्पर्म्स बन गया। अब मेरे बच्चे ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया स्पर्म्स की प्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब स्पर्मेटिड का स्पर्म्स के अंदर चेंज होना, दे आर कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना, मर कहाँ से बनना, याद रखिएगा फ्रॉम स्पर्माटिड, स्पर्माटिड से स्पर्म का बनना, दे आर कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, हम इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। अब ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जो जिक्र आपके सामने किया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन जाते हैं और बनने के बाद आगे चले जाते हैं और उसका नाम है एपिडिडिमस, अगली नाली आ गई, और एपिडिडिमस अगली नाली है। और इसके बारे में याद रखिएगा अगेन, ये एक ऐसी नाली है जो हाईली कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, हाईली कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, काफ़ी बलदार नाली होती है। और याद रखिए ये प्रेजेंट होती है टेस्टिस के ऊपर, प्रेजेंट होती है बैक साइड ऑन टेस्टिस, तो जो टेस्टिस के बैक साइड पे होती है उसका नाम है एपिडिडिमस है। इसका काम एक ही है, ये टेम्प्रेरी स्टोर टू स्पर्म्स, कुछ देर के लिए अपने अंदर स्पर्म को स्टोर कर लेना फॉर नरिशमेंट, ताकि वहाँ पे वो नरिश हो सके मुकम्मल तौर पर। मेरे बच्चे ये एक ही जगह पर होता है और बेटा उसका नाम है एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस एक ऐसी नाली जो हाईली कॉन्वोलेटेड होती है, प्रेजेंट बैक साइड ऑन टेस्टिस होती है, जो टेम्प्रेरी स्टोर करती है स्पर्म्स को फॉर नरिशमेंट, बेटा उसका नाम क्या, एपिडिडिमस है। अब इसी तरह एपिडिडिमस के बाद जो अगली नाली आती है उसका नाम है वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस एक ऐसी नाली है जिसकी सबसे बड़ी पहचान, इसको हम एक और भी नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट, हम इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। अगर स्पर्म डक्ट नहीं कहना तो इसको बड़ा डक्ट डेफरेंस भी कहते हैं, डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं, इसको डक्टस डेफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये बड़ा मेन डक्ट फॉर स्पर्म है, मेन डक्ट्स फॉर स्पर्म। तो जो स्पर्म के लिए जो मेन डक्ट है बेटा उसका नाम क्या, दे आर कॉल्ड वास डेफरेंस है। अब यहाँ से स्पर्म आगे मूव करके जाएंगे और आखिरी नाली से बाहर दाखिल हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और उसका नाम है यूरिनो जेनिटल डक्ट, ये लास्ट नाली है। और शायद आप इसको जानते भी होंगे, इसको सिंपल वर्डिंग में कहा जाता है आल्सो कॉल्ड यूरिथ्रा, हम इसको एक और भी नाम देंगे, इसको यूरिथ्रा भी कहा जाता है। और ये लास्ट डक्ट होती है और ये एक ऐसी डक्ट है जहाँ से मेरे बच्चे डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म होते हैं, जहाँ से स्पर्म्स बाहर की तरफ भेजे जाते हैं, जिस नाले से निकल के जाते हैं, उसका नाम क्या, यूरिनो जेनिटल डक्ट है। तो ये था मेरे बच्चे जो कि ट्यूब्यूल्स हैं, और इन ट्यूब्यूल्स का हमने जिक्र किया, जैसे यूरिनो जेनिटल डक्ट, वास डेफरेंस, एपिडिडिमस, और इन एपिडिडिमस से पहले जो हमने नाली का जिक्र किया है उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब बड़ा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन डक्ट्स के बाद जो हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर स्ट्रक्चर आते हैं बड़ा, वो कुछ सेल्स हैं। जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स आपको नज़र आते हैं। एक जो सेल है बड़ा उसका नाम है सर्टोली सेल, और एक जो सेल होता है उसका नाम है इंटरस्टीशियल सेल। कभी ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये अंदर होता है, प्रेजेंट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो अंदर मौजूद है, ये आपने कभी नहीं भूलना, सेमिनिफेरस के अंदर मौजूद है, उसका नाम होता है सर्टोली सेल।
और जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होता है, अंदर मौजूद नहीं होता, वो इंटरस्टीशियल सेल है। सर्टोली सेल का जो रोल है ना, रोल इसका रोल होता है स्पर्म्स की प्रोटेक्शन देना। मतलब ये क्या करता है, प्रोवाइड, सबसे पहला काम इसका क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इसी के साथ साथ लिक्विड मीडियम देना, लिक्विड मीडियम के साथ साथ नरिशमेंट करना, खुराक देना। किसको मेरे बच्चे, स्पर्म्स को। ये रोल होता है सर्टोली सेल का। तो मैंने बताया प्रोटेक्शन देना, लिक्विड मीडियम देना और नरिशमेंट करना स्पर्म का, ये किसका रोल है बेटा, सर्टोली सेल का रोल है। इंटरस्टीशियल सेल का काम सबसे बड़ा यही है, इसका जो रोल है बेटा, ये इसका रोल है कि प्रोड्यूस करना टेस्टोस्टेरोन को। मतलब इसका काम क्या है, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने वाला मेरे बच्चे, इसको नाम दिया जाता है इंटरस्टीशियल सेल्स हैं। अब जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन अगर देखा जाए इस हार्मोन का क्या रोल होता है, ये बड़ा हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है उसमें मदद देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम, एंड डिवेलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ मेल, एंड डिवेलप्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ मेल। तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं मेल के, ये मेरे बच्चे अगर जिस हार्मोन की वजह से आता है बड़ा, उस हार्मोन का नाम क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बन रहे हैं और इवन के इवन स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब सेल्स के बाद जो लास्ट में चीज़ आती है बड़ा, उसका नाम है ग्लैंड्स, हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स आ जाते हैं, अब बड़ा जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स मेरे बच्चे देखा जाए इस पूरी नालियों को जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है, जो चलाने वाले हैं इन स्पर्म्स की प्रोडक्शन में, जो मदद दे रहे हैं वो ग्लैंड्स हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड है बड़ा, उसका नाम है सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड। अब जो सेमिनल ग्लैंड है इसका काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, खुराक देना। मदर के स्पर्म बने, उसने इतना लंबा सफ़र करना है, उसको खुराक की ज़रूरत होगी, तो उस खुराक की जो रिक्वायरमेंट है वो सेमिनल ग्लैंड पूरी कर रहा है। एक ग्लैंड होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको पता है ग्लैंड एक ऐसी चीज़ है जो सिक्रीशन करता है। तो स्पर्म्स ने इतनी लंबी जर्नी हासिल करनी है, मगर उसने नालियों से गुजरना, तो एसिडिटी भी हो गया और अल्कलाइन कंडीशन भी हो सकता है। तो जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि स्पर्म मरे ना, न्यूट्रलाइज ऑफ एसिडिटी करने की जिम्मेदारी वो प्रोस्टेट ग्लैंड की है। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज अ डक्ट। तो नालियों को न्यूट्रलाइज करके रखने के लिए जो काम करे वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। एक ग्लैंड होगा कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल का नाम भी दिया जाता है। और ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसका काम होता है स्लिपरी बनाना है, क्योंकि नालियों से स्पर्म ने गुजर के जाना है, तो उसको स्लिपरी बनाना, मेक्स स्लिपरी प्रोडक्ट्स। तो जो नालियों को स्लिपरी बनाता है बड़ा, उसका नाम क्या, कॉपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दो लफ्ज़ को यूज़ किया है, दो वर्ड्स को यूज़ किया है, शायद आपको याद होगा, एक का नाम है स्पर्म और एक का नाम स्पर्माटिड। दोनों में फ़र्क क्या है, स्पर्माटिड में क्या फ़र्क है और स्पर्म में क्या फ़र्क है। देखें, जो स्पर्माटिड है ये ओवल शेप होता है, सबसे पहली पहचान इसकी जो शेप है ये ओवल शेप होता है। जो स्पर्म है ये बेटा टेडपोल शेप में होता है, टेडपोल शेप में होता है, मतलब जिसका सर भी होता है और टेल भी होती है, ये ओवल शेप में होता है और ये टेडपोल की शेप में आपको नज़र आता है, जिसका नाम क्या है, स्पर्म। ठीक हो गया, पहले तो पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि ये टेडपोल शेप है और ये ओवल है। स्पर्माटिड अनडिफरेंशिएटेड है, ये अभी डिफरेंशिएट फॉर्म में नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है।
और सात वाला डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। इसी तरह जो स्पर्माटिड है, अगर याद रखिएगा सबसे बड़ी पहचान, इसके पास अगर देखा जो टेल नहीं है, ये मेरे बच्चे इनमोटाइल होता है और ये मोटाइल होता है, चलता फिरता है, घूमता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्पर्माटिड और स्पर्म्स के बारे में जो मैंने आपके सामने अभी बताया है। ठीक हो गया, तो ये था टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत आसान और इजी टॉपिक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।